जरूरत से ज्यादा डेंजरस वॉर लग गई है हैदराबाद हाइड्रास वर्सेस चेस मैक गेमिंग। अपोनेंट में है सीएमजी, वुल्फ सेयर्स, लार्गो, जनरल एक्स, मैक और जेनिस। सामने है इनके जॉर्डन सुजॉय, फिनिक्स मोगेम्बो एंड वॉरियर। खतरनाक वॉर आपको देखने को मिलेगा और इसी तरह के बेहतरीन वॉर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आपके लिए साल भर मेहनत कर रहा हूं मैं। समझ गए ना आप? देखा मैंने, ये देखा था कहीं, किसने कहीं पर रील देखी थी, जोश आ गया उस वाली रील को देख के। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। और ये आ गया पहला अटैक, और ये आ गया दूध भी। इलेक्ट्रो टाइटन के साथ होमला कर रहे हैं सीएमजी जनरल एक्स। भाई भाई मोनोलिथ नहीं आया, पॉइजन टावर भी नहीं आया। स्पेल लग गई इसकी बहुत सारी, सिर्फ मिला है इसको एक एक्सबो, विच इज अ गुड थिंग फॉर अस। टाउन हॉल तो निकाल ही लेगा, फनल बना लिया आर्मी के लिए, इलेक्ट्रो टाइटन के लिए। बुड्ढा कुछ ना कुछ तोड़ फोड़ में लगा हुआ है, मेरे को लग रहा है जब तक टाउन हॉल आएगा नहीं तब तक ये अटैक करेगा नहीं, क्योंकि टाउन हॉल डैमेज देगा बहुत आर्मी को, इसलिए चाहता है पहले कि टीएच आ ही जाए। बुड्ढा भी लगा हुआ है और फ्लेम फ्लिंगर भी लगी हुई है। फाइनली आर्मी का डिप्लॉयमेंट कर दिया गया, इलेक्ट्रो टाइटन आ गई है और टाउन हॉल बस गिरने ही वाला है। एक शॉट का मेहमान है, गया। चलो जी, टीएच गो वेंट गोन। आवा रखा है, आइस गोलम रखना चाहिए था, बहुत अच्छा रहता, बट मिस्टेक हो गई। इलेक्ट्रो टाइटन चीर के रख देती है लावा को, क्योंकि बटन एबिलिटी आ गई है तो आर्मी तो मरेगी नहीं, अभी कुछ हो ही नहीं सकता आर्मी को। गई समर हो गई आर्मी वार्डन एबिलिटी के अंदर, फिलहाल एबिलिटी खत्म हो गई है, अब आर्मी मरना शुरू होगी। स्पेल्स के नाम पे एक फ्रीज बची है और आरसी की एबिलिटी चली गई है। इलेक्ट्रो टाइटन मर चुकी है, किंग की हेल्थ जा चुकी है, एक फ्रीज है बच, और क्वीन के पास एबिलिटी अभी भी है, यही है असली खतरा। चलो क्वीन गई एबिलिटी के साथ ही, टेंशन खत्म गाइस। चेस में गेमिंग का पहला अटैक परेशानियों में घिर चुका है, परसेंटेज देखनी पड़ेगी कितना निकाल पाएंगे। एक फ्रीज बची है, समझ में आ नहीं रहा होगा उनके डालें कहां पे, क्योंकि आर्मी तो बची नहीं। फीनिक्स बचा हुआ है और एक आर्चर बचा हुआ है, बाकी सब हो चुका है खत्म। 81 या फिर 82, 3, 82, 3, 84 मैक्सिमम 84 तक जा सकता है ये, जो कि मुझे लगता है ठीक ठाक परसेंटेज है हमारे लिए। चेस में गेमिंग जैसे टीम को 83, 4, 84 पे रोक ले रहा है पहले अटैक में तो अच्छा है, तो अपन कोशिश करेंगे इससे ज्यादा परसेंटेज लाई जाए या 3 स्टार मारा जाए। मेरे को अटैक करना है गाइस, पहला टीम की तरफ से, और पहला अटैक यार बड़ा टेंशन वाला होता है। एक तो मेरे को देखो टाइम नहीं मिलता प्लान बनाने के लिए, क्योंकि मैं वीडियो बना रहा होता हूँ साथ साथ में, तो मेरे को बिना प्लान के अटैक करने पड़ते हैं मोस्ट ऑफ द अटैक। यह बात आपको पता नहीं होगी ना, इसलिए आपको बता रहा हूं। चलो टाउन हॉल चाहिए मेरे को, बाकी कुछ नहीं चाहिए। ब्लैक माइंड ना निकल जाए, उनका खतरा है थोड़ा सा। चलो सही चल रहा है अभी तक, बढ़िया। टीएच आ गया और दोनों एक्सपो भी आ गई, इससे ज्यादा वैल्यू और क्या ही चाहिए अब यार। इधर मेरे को एक वो चाहिए था फनल बनाने के लिए कुछ, पर चलो बिना फनल के ही करना पड़ेगा। वल्नरेबिलिटी एंड रेंज,
एंड क्वीन एंड पॉइजन। क्वीन यहां पे नहीं घुसने चाहिए भाई। इलेक्ट्रो ड्रैगन तो बिल्कुल ही गलत जा रहे हैं मेरे, वाकई में पागल है इलेक्ट्रो ड्रैगन। वहां जा रहे हैं जहां पे जरूरत ही नहीं है। क्वीन बेवकूफ क्वीन, गलत ही गलत हो रहा है। बेवकूफ है क्वीन, ये मुझे पता चला आज। पॉइजन मेरे को बचा के रख लेना चाहिए था, क्योंकि अब लावा को कैसे मारूंगा, इसी सोच में परेशान हूं। अरे मल्टी को भी नहीं निकाल रही है रॉयल चैंपियन, तो वो तीन डिफेंस बचे हैं। हाँ भाई, एक ही बस मोनोलिथ बचा हुआ है, एक डिफेंस बच गया। मोनोलिथ नहीं निकलेगा इनसे, इलेक्ट्रो ड्रैगन से। मैंने एबिलिटी दबा दी उसको बचाने के चक्कर में। क्या नाम था वो जो होता ना गाइस, डिगी। डिगी की एबिलिटी, मतलब डिगी को बचाने के चक्कर में मैंने रॉयल चैंपियन की एबिलिटी दबा दी, क्योंकि फिर इसको जाके मोनोलिथ को डैमेज देता ना वो। चलो कोई नहीं, अपोनेंट से आ गए 98% हुआ मेरा अटैक। यस मैं गेमिंग वाले आ गए हैं गाइस। इस आर्मी से मेरे को बहुत डर लगता है। इंचार्ज इलेक्ट्रो ड्रैगन, पहले आर्मी मजाक लगती थी, आज की डेट में आर्मी बड़ी खतरनाक लगती है मेरे को। जॉय के ऊपर भैया एयर डिफेंस तो इसने यही निकाल दिया, और दूसरा एयर डिफेंस क्वीन से निकाल लेगा, और उसके बाद सीधा लावा लून चालू कर देगा ये, और सॉरी इलेक्ट्रो ड्रैगन घुसा देगा टाउन हॉल में। 5 इलेक्ट्रो लेकर फनल बना रहा और लंबी, ताकि जो 4 इलेक्ट्रो बचे हुए है ना वो तो एकदम सेंटर में ही रहे भाई। विजिबल टावर अपना काम करेगा, इस करना पड़ेगा, एज मारना पड़ेगा। किंग को मारना है तो किंग ही नहीं मरेगा, वरना फाइनली किंग मर गया, वार्डन एबिलिटी आएगी। अब इनको हेड एंटर पकड़ लें तो अच्छा है, पर नहीं पकड़ पाए। लेकिन क्वीन अच्छा काम कर रही है लावा को बाहर निकालने का, क्वीन ने कुछ तो अच्छा ढंग का काम किया। आई मोनोलिथ निकाल दिया यार, इसका इलेक्ट्रो ड्रैगन कितना प्यारा है। हमारा इलेक्ट्रो ड्रैगन होता तो निकालता ही नहीं, पर आर्मी तो इसकी बची नहीं यार, एक रेस दो फ्रीज बच रही है। हीरोज के साथ ही बेस निकाल लेगा क्या, इतने खतरनाक है क्या चेस में गेमिंग वाले, ऐसा कर देते हैं क्या, मेरे को तो नहीं पता। टीम तो देखो भाई खतरनाक है, नाम है चेस में गेमिंग का, तो हो सकता है हीरो के साथ ही 3 स्टार मार दे। एक रेस दो फ्रीज है, मल्टी टारगेट इन्फर्नो डैमेज दे रहा है, हीलर्स को बहुत डैमेज दे दिया है, थोड़ी सी जान बची है हीलर्स में। इधर से किंग आ चुका है, अभी हीलर्स मर जाएंगी सारी, मर गई, पर क्वीन मरने का नाम नहीं ले रही है। और मेरे को लग रहा है कि हीरोज के साथ भी टेकडाउन किया जा सकता है बेस, जिस हिसाब से ये अटैक चल रहा है अभी तक, क्योंकि बेस में सिंगल टारगेट इन्फर्नो के सिवा कुछ बचा ही नहीं है। रॉयल चैंपियन निकाल देगी बचे हुए बेस को, किंग निकाल देगी, डिफेंस देखना पड़ता है ना, देखो डिफेंस बचा ही नहीं, सारा डिफेंस टाउन हॉल के पास था, और वो सारा डिफेंस टेक डाउन कर लिया गया था इलेक्ट्रो ड्रैगन्स के साथ ही। तभी मैं सोचूं ये वाली आर्मी का डिसीजन क्यों लिया इन्होंने, चेसमैक गेमिंग वालों ने, ये था रीजन। फिलहाल क्वीन की एबिलिटी जा चुकी है, एक फीनिक्स लगा हुआ है, क्वीन दीवार तोड़ने में लगी हुई है ना, आप खुश हो गए हो ना कि 3 स्टार आ गया। अरे ढोंडू कितने भोले हो आप, समझे नहीं आप, मैंने स्टाइल में बोला था कि हीरो से 3 स्टार हो जाता है क्या। अरे यार थोड़ा तो दिमाग लगाओ, मोगेम्बो कब आपसे क्या कहना चाह रहा है। लेकिन परसेंटेज यहाँ पे अच्छे रह गए हैं, तो वो बेस डिफेंड कर गए हैं हमारे। फिलहाल और यार भाई साहब
एक 3 स्टार लाके दे दो, आगे निकल जाएंगे हम लोग चेस में गेमिंग से। शुरुआत तो सही की जा रही है, उन्होंने एयर डिफेंस को टेक डाउन कर दिया रहेगा, इलेक्ट्रो ड्रैगन के साथ मुझे लग रहा है टाउन हॉल निकाला जाएगा। एबिलिट भाई रेज मार रेज कर टाउन हॉल को, वरना कुछ भी नहीं निकलेगा। ये किंग देख लो कितना चालू है, उल्टा सीधा भाग रहा है टेढ़ा मेढ़ा, पर चलो नाइस इनविजिबल। अरे फ्रीज की जरूरत ही नहीं थी यार, बलून्स भी लगा दिए, डरा बैठा बंदा, थोड़ा डर के अटैक कर रहा है गाइस। डर में ऐसे अटैक हो जाता है थोड़ा सा, मतलब ज्यादा चीजें लग जाती है, मेरे से भी लग जाती है कई बार, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा चीजें डाल देता हूं मैं कई सारी जिनकी जरूरत भी नहीं होती। लाल माइटी इलेक्ट्रो ड्रैगन आर्मी प्रवेश कर रही है बेस के अंदर, तेज आ गई, वल्नरेबिलिटी आ गई, एक चीज नहीं आई वो है, आप समझ ही नहीं पाओगे वो क्या है, मैं आपको बता भी नहीं रहा। टीच का नाम है स्टोन स्लैमर भाई, मोनोलिथ मरी नहीं रहा, मोनोलिथ स्टोन स्लैमर क्यों नहीं डाला इसने? अरे यार सीसी तो टेकडाउन हो जाते पहले, मतलब स्टोन स्लैमर को आर्मी के साथ उतारना चाहिए, आर्मी के बाद उतारना चाहिए। एम्फ्लिंगर बना के आर्टिलरी वाला कंपार्टमेंट टेकडाउन लिया है, अरे अगर ये भाई मोनोलिथ आ जाता ना मजा आ जाता, ये तो परसेंटेज कम रहेगी अपनी मेरे को लग रहा है। सिस्टम हैंग हो गया भाई, सिस्टम 81, 2, 3, 83% रह गए अटैक, प्रतिशत में पीछे तो नहीं रह जाएंगे अब हम गाइस इस अटैक के बाद। पता नहीं मैं तो भूल ही गया कि कितना कितना परसेंट हुआ, अरे परसेंटेज बढ़ रहा है, 85 हो गया भाई, वाह वाह वाह। लो जी सीएमजी जेनिस विन चार्ज लावा लूम वॉरियर भाई साहब के बेस के ऊपर, रेज टावर जो है ना ये वाले और ये वाला, ये दोनों रेंज में है रेज टावर की, जो मल्टी टारगेट इन्फर्नो है, क्योंकि बहुत डेंजरस साबित होता है लावा लून के लिए। और मुझे लग रहा है ये क्वीन के साथ ही एक रेज टावर तो निकालना चाहेगा, इधर से फ्लेम फ्लिंगर पूरे टेस्ला फार्म को निकाल देगी और स्कैटर शॉट को भी निकाल देगी। इन यहां पे भिड़ंत कर रही है, हमारे किंग के साथ, और अब भिड़ंत होगी क्वीन के साथ। पॉइजन टावर देख रहे हो हवा में उड़कर रुका हुआ है, गिर ही नहीं रहा, पर क्वीन के ऊपर फाइनली गिर गया। पॉइजन के अंदर हीलर जाती है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है गाइस। रॉकेट लून आ रहे हैं, फ्रीज करना पड़ेगा, एबिलिटी चली गई है क्वीन चार्ज के लिए, हमने रॉकेट लून रखे थे, पर क्वीन चार्ज अभी भी चल रही है भाई, रुकने का नाम नहीं ले रही। 1.5 मिनट का समय जा चुका है और यार 0 HP पे जाके क्वीन बच रखी है, मोनोलिथ अभी मार देता इसे। रेस टावर ओपी काम कर रहे हैं, अब मरेगी क्वीन, अब बचना नामुमकिन है, अब बचना नामुमकिन है। क्वीन गई टाउन हॉल में से जबरदस्ती, लावा लून करना पड़ गया, बिल्कुल प्लान नहीं था ये मैं जानता हूं, क्योंकि दोनों मल्टी टारगेट इन्फर्नो उस तरफ है, तीसरा मल्टी टारगेट इन्फर्नो इस तरफ है, स्पेल सिर्फ एक हेस्ट बची है, वैल्यू लाना अब मुश्किल हो जाएगा लावा लून के साथ। मल्टी टारगेट तो आपको पता है रोस्ट करके रख देते हैं, एक मल्टी टारगेट बच जाए तो कितना खतरनाक है, यहाँ तो तीनों मल्टी टारगेट इन्फर्नो खड़े हैं। रॉकेट लून रखने का डिसीजन सही साबित हुआ, अकॉर्डिंग टू द बेस रखे जाते हैं गाइस सीसी, अपोनेंट का अटैक देख के सोच के उसी तरह के आप सीसी रखोगे तो अच्छा रहेगा।
फिलहाल यहाँ पे 82% की वैल्यू ला करके दिए इन्होंने, चेसमैक वालों ने खुद को। सुजो है भाई साहब, 3 स्टार की एक सख्त जरूरत है, और क्वीन चार्ज इनविजिबल इलेक्ट्रो ड्रैगन अटैक यहाँ पे देखने को मिलने वाला है, और जो कि मेरे अकॉर्डिंगली इस बेस के लिए बहुत बेहतरीन है। एक इन्फर्नो, मतलब एक तो देखो एयर डिफेंस यहां से आ जाएगा, एक एयर डिफेंस क्वीन निकालेगी इधर से। अरे रेज मत लगवा दियो, रेज लग गई, रेज नहीं लगनी चाहिए थी गाइस। चलो एक एयर डिफेंस निकालेगी अब क्वीन इधर से, यहां पे भी रेज लग जाएगी तो दिक्कत है, रेज नहीं लगनी चाहिए, रेज बड़ी काम की चीज है। मैं तो कह रहा हूं इलेक्ट्रो ड्रैगन्स का डिप्लॉयमेंट चालू कर भाई, वरना एक और रेज जाएगी तेरी, तो खुद ही लगा रहा है, चलो भाई क्या ही कर सकते हैं फिर, अब तो एबिलिटी जाएगी यार। क्या क्या एबिलिटी भी दे रहा है, फ्रीज भी दे रहा है, क्या दिमाग लगा रहा है, क्या अटैकर बनेगा। इससे पहले रेज भी दे दी, फ्रीज भी दे दी और एबिलिटी भी दे दी, अब सिर्फ एबिलिटी मार देता है यार, कितना बुरा लगा मुझे, मैं आपको अपना दुख बता नहीं सकता। चाहता हूं तुझे पर दिखा नहीं सकता। सायर जाग गया मेरा इस अटैक को देख के, क्योंकि लो परसेंटेज होएगा ये, इसलिए मेरे अंदर का सायर जाग रहा है। सारे स्पेल लगा दिए वहां, सारे स्पेल, क्यों क्वीन की एबिलिटी बचानी थी, अरे क्यों बचानी है, इलेक्ट्रो ड्रैगन क्यों लाया है, इलेक्ट्रो ड्रैगन का काम होता है भाई डैमेज देने का। अभी तो ये परसेंटेज भी नहीं आ पाएगी, और मार्केट में हमारी गदी आ गई है खतरे में, मार्केट में गदी बैठने वाली है हमारी, इतना दुखी लग रहा है मुझे, मैं आपको क्या बताऊं भाई, मोनोलिथ भी नहीं निकाल पाएगा बुड्ढा, अरे भाई निकाल दे निकाल दे, मरते मरते निकाल गया, आखिरी दम पे जाके निकाल गया। परसेंटेज में अपोनेंट लोग आगे निकल गए हैं भाई इस अटैक के बाद, ऐसी फीलिंग आ गई है मुझे, मेरे ऊपर अटैक आ गया है भाई, इलेक्ट्रो ड्रैगन ही कर रहा है ये बंदा भी। चलो क्यों कर रहा है पर ये इलेक्ट्रो ड्रैगन, मेरे को समझ नहीं आ रहा इस तरह का बेस, इसको ये लग रहा है कि इसको इलेक्ट्रो ड्रैगन करना चाहिए, और मेरे को लग रहा है ये इलेक्ट्रो ड्रैगन का प्लेयर भी नहीं है, और इसकी क्वीन भी शायद गलत कंपार्टमेंट में चली गई है, उधर भेजने का प्लान तो था नहीं इसका, ये तो चाहता था कि क्वीन के पास जाए। ले भैया, और इनविजिबल की वजह से क्वीन सही डायरेक्शन पकड़ गई है, फिर वापस गलत पकड़ गई है, एक ब्लैक माइन लग गई है, और अभी तो पूरा प्लान बिगड़ गया भाई। यहां पे तो ये मेरे ख्याल से बिल्कुल नहीं चाहता होगा कि क्वीन एंटर करे, दोनों इलेक्ट्रो ड्रैगन यहीं पे ध्वस्त हो जाएंगे, और क्वीन अब एक ऐसी जगह पे फंस गई है जहां से उसका जिंदा निकलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, यहां से बचना नामुमकिन है क्वीन के लिए, मर के ही बाहर निकल सकते सिर्फ यहां से। तो एबिलिटी गई, दोनों के दोनों एक्सबो पैक्सबो सब गई, हीलर 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 सॉरी, और ये गया इस गोलम, और ये मरेगी अब क्वीन भाई। वार्डन एबिलिटी दे दी क्वीन को बचाने के लिए, ऐसे कौन करता है, ऐसे बंदा तब करता है जब वो किसी भी तरह से परसेंटेज निकालना चाह रहा होता है। पिन मर गई, बुड्ढा मर नहीं रहा है, अल्टीमेट निकालिए बुड्ढे, बुड्ढा नहीं निकालेगा तो ये निकाल देगा यार, एक एक करके इलेक्ट्रो ड्रैगन इधर उधर कोने वोने में उतार के परसेंटेज निकालने की कोशिश की जाएगी। ये रेज टावर एक्टिवेट हो गया किंग के पास, लेकिन फीनिक्स का सहारा इस वजह से किंग मर ही नहीं रहा है। इधर से फीनिक्स भी नहीं, यार फीनिक्स भी बड़ा चालू है इसका, तो
ये परसेंटेज निकाल ही लेगा भाई रगड़ तगड़ के इधर उधर से, कैसे ही ना कैसे ही। तो एक एक इलेक्ट्रो ड्रैगन उतार रहा है, एक कोने में, एक इस कोने में, एक उस कोने में। ऊपर से वो फीनिक्स ऐसी जगह पे जाके बैठा है कि हाथ ही नहीं आ रहा, अब जाके मरेगा वो। तो भाई बेस कर गया है सॉलिड तरीके से डिफेंस, 80% भी नहीं होगा ये। तो जो हमारा एक लो परसेंटेज हुआ था उसकी रिकवरी करके दे दिए भाई मेरे बेस ने, जिसकी मुझे बहुत खुशी है, 78%। फीनिक्स भाई साहब फाइनली यहाँ पे एक 3 स्टार की जरूरत है यहाँ पे अपोनेंट को चकमा देने के लिए। और 7 इलेक्ट्रोड्रैगन, 5 ही बलून है सिर्फ, ये क्या सोच रहा है बंदा? ये जो भी सोच रहा है क्यों सोच रहा है? आई बाय बाय, फ्लेम फ्लिंगर को डैमेज नहीं पहुंचना चाहिए भाई, जाइंट उतारो भाई वरना डैमेज पहुंच जाएगा फ्लेम फ्लिंगर को भाई। जाइंट लेट उतारा भाई, जाइंट लेट उतारा भाई, फ्लेम फ्लिंगर को डैमेज पहुंच गया, बहुत बड़ी दिक्कत है ये। 2 जाइंट खराब हो गए, शुरुआत ही गलत हो गई है। स्कैटर शॉट नहीं आया तो और ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। एक और येटी उतारा गया और मेरे को लग नहीं रहा कि अभी स्कैटर शॉट आएगा, क्योंकि फ्लेम फ्लिंगर टारगेट ही नहीं कर रहा स्कैटर शॉट को। 1 मिनट हो चुकी है ऑलरेडी इस अटैक को, एयर डिफेंस भी नहीं आया ये कोने वाला। फाइनली स्कैटर शॉट को टारगेट करना स्टार्ट करा है फ्लेम फ्लिंगर ने, कुछ खुशी हुई है। देखो देखो मेरे को दुख इस चीज का है कि 3 स्टार ना हो ना, तो कम से कम लो परसेंटेज ना हो जाए। चेस में गेमिंग के साथ वॉर चल रहा है और दोनों टीम स्ट्रगल कर रही है 1 3 स्टार के लिए। ऐसे बेस हमने लगा दिए और ऐसे ही बेस उन्होंने लगा दिए कि भाई टीम फंस जा रही है और फंस के चस जा रही है। मोनोलिथ को मारो, मोनोलिथ को कोई मार ही नहीं रहा है मोनोलिथ को। आखिरी फ्रीज भाई, फ्रीज यार क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है? अब 3 स्टार हो जाता वो, मजाक से हटके बोल रहा हूं मैं आपको, अगर वहां पे सही टाइम पे फ्रीज यूज कर लेता तो। अभी भी हो सकता है क्योंकि जो रॉयल चैंपियन है उसके पास हेल्थ ही नहीं है अपोनेंट वाली। अरे दादा ये टोर्नेडो का वादा जैसे मैंने बोला हो सकता था तभी नाश हो गया। अब क्वीन को घूम के जाना है, इतना दम नहीं है क्वीन के अंदर कि जाके मल्टी टारगेट को घूम के निकाल ले। हे भगवान, ऐसा भी क्या रोना, इतना बुरा कैसे हो रहा है हमारे साथ? मेरा 98 और फीनिक्स का यहाँ पे 95। फाइनल अटैक अपोनेंट की तरफ से, ये मोनोलिथ को और इसको जैप मारेगा। मार दिया भाई, एयर स्वीपर भी जैप मार दिया और मोनोलिथ भी जैप मार दिया। सीधा आर्मी आएगी इस तरफ से, यहां से यहां से यहां से इधर से आएगी। अरे इधर से नहीं आ रही, रिस्क ले रहा, रिस्क लेने से इश्क हो जाता है गाइस, गलत रिस्क ले रहा है, मैं तो बता रहा हूं आपको। एयर डिफेंस तो निकाल लिया, चलो 6 ड्रैगन बचे हैं बस। प्लिंप भी मार रहा है, अलग तरह का अटैक कर रहा है भाई ये। सेफ सीसी है, चलो लावा बाहर आ गया इसकी खुशी है। बलून होते तो अच्छा नहीं लगता, ये भाई अलग तरह का अटैक कर रहा है, मेरी समझ से बाहर है ये अटैक। ऐसे ट्रिपल मार दिया ना तो मेरा तो गेम से विश्वास उड़ जाएगा ऐसे ट्रिपल नहीं होना चाहिए भाई, ये कोई तरीका है अटैक करने का? चेस में गेमिंग खेल रही है हमारे सामने, लग रहा घबरा गई ये बेचारी क्योंकि
ऐसे तो नहीं हो सकता तीन स्टार, मैं बता रहा हूं आपको, हमारा भी कुछ गेम का एक्सपीरियंस है ना, उसको समझ नहीं आ रहा वोटर एबिलिटी दूं ना दूं, परसेंटेज कैसे निकालूं, अटैक करना है नहीं करना है भाई घबरा गए हैं बंदे भाई, ये कौन सा तरीका था, ये मुझे बहुत तगड़ा लगा ये तरीका, इधर से जैप मार रहा है, वहां से टाउनल निकालने कोशिश कर रहा है, ये कर रहा वो कर रहा है, सो खड़दू कर दिए यार, 50% नहीं निकाल पा रहा भैया रे। पता क्या हुआ, ये आपको ऐसा लग रहा होगा, हुआ ये है कि जब उसने स्टार्टिंग में रॉकेट लून डाले ना, जहां पे वहीं पे टेस्ला फार्म और सारी चीजें निकल गई और उसको वैल्यू ही नहीं मिली रॉकेट लून से, जो वैल्यू चाहिए थी, उसके बाद उसका जो प्लान था ना वो पूरा बिगड़ता चला गया, समझ ही नहीं आया उसे कि टेस्ला फार्म यहाँ निकल गया है, यहाँ पे क्या उतारूं, वहां पे क्या उतारूं, इस तरह से बंदा कंफ्यूज हो रहता है। ये होता है जब आप एक अटैक ऐसा कर रहे होते हैं जिसके अंदर खूब सारा दिमाग लग रखा होता है आपका, अगर चीजें बिगड़नी स्टार्ट होती है ना तो एक चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है, और जब चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है ना तो गाइस उसके बाद 60% ऐसा अटैक देखने को आपको मिलता है। भैया इतनी खतरनाक टीम के साथ ना इससे ज्यादा खतरनाक वॉर नहीं हो सकता था, और इतने खतरनाक वॉर के अंदर अभी भी जॉर्डन भाई साहब मेरे को लग रहा है एंटरटेनमेंट लाने का दम रखते हैं, क्योंकि ये वो बंदा है जो हटी में 3 स्टार मार देगा और सिली में 1 स्टार मार देगा समझ रहे हो इसका मीनिंग, समझे आप, नहीं समझे ना पोगो देखो जाके, इसीलिए तो बता रहा हूं आपको, टाउन हॉल आएगा, मल्टी टारगेट आएगा, स्कैटर शॉट भी आएगा, और बढ़िया वैल्यू आ गई है, क्वीन आ गई, हीलर आएंगी, आइस गोलम आ गया, इलेक्ट्रो टाइटन आ गई, सब कुछ आ गया, रॉयल चैंपियन बचा के रखिए, पेन की एबिलिटी जाने वाली है भी नुकसान हो जाएगा, क्वीन की एबिलिटी चली गई तो, इसलिए वार्डन एबिलिटी लगा दी है ताकि क्वीन की एबिलिटी ना जाए, सही डिसीजन है ये, क्योंकि क्वीन की एबिलिटी अनमोल होती है, प्राइसलेस होती है गाइस क्वीन की एबिलिटी, 1.5 मिनट का टाइम बचा है, इलेक्ट्रो टाइटन अभी जिंदा है, हीलर क्वीन के ऊपर लगी हुई है, इन गलत कंपार्टमेंट में जा रही है, गलत कंपार्टमेंट में क्या जा रही है, पूरी आर्मी को छोड़ दिया क्वीन ने राम के भरोसे, किंग एबिलिटी दे दी गई है, रॉयल चैंपियन का डिप्लॉयमेंट कर दे उस्ताद, उस्ताद क्या कर रहा है उस्ताद, रॉयल चैंपियन कहां है उस्ताद, ही आ गई रॉयल चैंपियन, क्वीन दीवार तोड़ रही है हमेशा की तरह, बेवकूफी भरे काम जो कि क्वीन से एक्सपेक्ट किए जाते हैं वही वो करने में लगी हुई है, इसी तरह की बेवकूफियां हम क्वीन से हमेशा से एक्सपेक्ट करते आए, क्वीन कभी भी निराश नहीं करती, हमेशा बावली पूंछ वाले काम करके दिखाएगी क्वीन, अब फिर से दीवार तोड़ रही है, और मेरे को लग रहा है इस जीवन में ये दीवार ही तोड़ती रहेगी, ये नहीं है कि घूम के दूसरी तरफ चली जाऊं, पूरा रास्ता खुला हुआ वहां से जाएगी नहीं, दीवार तोड़ेगी भाई, अब एक और दीवार तोड़ेगी, मैं तो कह रहा हूं दीवार तोड़ू नाम रख दो, इसका नाम क्वीन की जगह दीवार तोड़ू रख दो भाई, इसका गेम के अंदर कोई काम नहीं है, आएगी बैठेगी अपना चाय वाय लेगी हाथ में कप पकड़ेगी भाई और दीवार तोड़ने में लग जाएगी, है क्यों ये क्या पागल है ये औरत का, इस बिल्कुल पसंद नहीं मेरे को, क्या ही करा बताओ इस क्वीन ने इस अटैक के अंदर, दिमाग खराब करने के से कुछ करा नहीं, पर चेस्मे गेमिंग को यहां पे निर्णायक वॉर के अंदर हरा के बाहर कर दिया है, अगले राउंड में पहुंच गए हैं फिलहाल हम, उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो पसंद आएगी, पसंद आएगी तो लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब कर देना, मिलता है आप लोगों से बहुत जल्द एक और शानदार वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखें, साथ में ध्यान रखें अपने प्यारे माता पिता का भी, बाय।